स्पेसिफिक हीट के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो, जो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सरफेस टेंशन के बाद हमने क्या क्या टॉपिक्स किए। हमने पहला जो टॉपिक किया था या कुछ टॉपिक जो उनमें से किया वो थी थर्मल कंडक्टिविटी, हमने किया ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशंस के थ्रू, स्टीफन लॉ, ये सब कुछ किया। फिर हमने क्या किया, स्पेसिफिक हीट की, फिर हमने केटीजी किया, फिर हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये 5-6 टॉपिक्स का सेट है, इनमें से 3 क्वेश्चन पक्के आने हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पेपर में स्पेसिफिक हीट की शीट में से कुछ आएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट थर्मल कंडक्टिविटी में से आएगा, या फिर स्टीफन लॉ में से आएगा, या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में से आएगा, या वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में से आएगा, या केटीजी में से आएगा। तो मैंने आपको अलग अलग शीट दी हैं, पेपर्स के जो लेवल हैं जो देखे गए हैं वो थोड़े से नीचे की तरफ हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन जो शीट्स हैं उनमें थोड़े से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये पुराने क्वेश्चंस को लेके बनाई गई हैं ताकि आपका एटलीस्ट अगर क्वेश्चन पेपर हट के भी आता है, हल्का सा चेंज भी होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा करना क्या है। तो हम सारी वैरायटी एक बार करेंगे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, वाटर जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ 1 किलोवाट, बिजली की कॉइल है, और एट 27 डिग्री सेल्सियस। पहली बात, जिन क्वेश्चंस के अंदर पानी का वॉल्यूम गिवन है तो समझो इनडायरेक्टली पानी का मास गिवन है। वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम लीटर को पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मीटर क्यूब में। डेंसिटी लिक्विड की बाय डिफॉल्ट एसआई सिस्टम में 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है स्टूडेंट को उलझाने का कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता जी, वॉल्यूम वॉल्यूम लीटर लीटर कर रहा था, तो एक्चुअल में आप मास खुद निकालेंगे वाटर का, ठीक हो गया। तो मतलब ऐसा रीड कर सकते हैं कि 2 kg का मास है और 27 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको गर्म करना है। प्रॉब्लम यह है कि कंटेनर में रख दिया, ढक्कन उसका लिड खुला हुआ है, अब सारी हीट जो आप नीचे से दे रहे हो गर्म करने के लिए, बिजली का हीटर है, गर्म करने के लिए जो हीट दे रहे हो उससे पानी तो गर्म हो रहा है पर आपकी हीट बाहर रेडिएशन की फॉर्म में लूज भी हो रही है, हवा में उड़ती जा रही है हीट, तो कितना लॉस हो रहा है, 160 जूल पर सेकेंड एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वेस्ट हो रही है। अब कितने समय में पानी का टेम्परेचर 27 से 77 हो जाएगा, ये बताओ। तो एक चीज बताओ, जो आप हीट दे रहे हो वो 2 कामों में लग रही है, पहली पानी को गर्म करने में और दूसरी जो हवा में वेस्ट हो रही है उसमें। तो पानी को गर्म करने में कितनी हीट चाहिए, हीट पानी कितनी गेन करेगा, जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे कॉइल से माइनस जितनी वेस्टेज हो रही है, तो जितनी हीट आपने सप्लाई की उसमें से हीट डिसिपेटेड को माइनस करेंगे, बची हुई हीट किसको मिलेगी, वाटर को मिल जाएगी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अब वाटर का टेम्परेचर कहां से कहां करना है, 27 से 77 करना है, तो वाटर को एग्जैक्टली कितनी हीट चाहिए, अप्लाई फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी। तो एमसी डेल्टा टी लगाओ, मास 2 kg पता है, स्पेसिफिक हीट जो वाटर है बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था उसकी स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई और ग्राम को केजी में करना है तो ये केजी हो जाएगा, तो आपके पास सी की वैल्यू आएगी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये याद करने को कहा था पहले भी, 4200 याद करना है, क्लियर है? तो यहां देखें, स्पेसिफिक हीट 4200 एसआई में, मास 2 kg एसआई में, टेम्परेचर चेंज वाटर का 27 और 77 का डिफरेंस है, तो वाटर की हीट मिल गई। अब आपने हीट दी कितनी, आपने जो बिजली की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हीट दी है, जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में पावर गिवन हो उसको ना टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर कॉइल की हमें पता है कितनी, 1 kW है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, 1000 वॉट है टी टाइम के लिए कॉइल चली, तो इतनी एनर्जी दी आपने, और पावर लॉस कितना है, 160 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड एनर्जी पर सेकेंड भी पावर होती है, तो 160 इंटू टी टाइम, क्या है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये इक्वेशन बन गई, पावर इंटू टाइम एनर्जी है, इतनी चाहिए, इतनी पानी ने रख ली, इतनी आपने दी और इतनी लूज हो गई। तो यहां से सॉल्व करके, इन इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है आपके पास, और वो क्या है, टाइम। टाइम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, इससे कोई डाउट इसमें, ठीक है? उसी तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करें।
एक बुलेट है 27 डिग्री सेल्सियस पे बुलेट है केवल, और वो मेल्ट हो जाता है अगर वो एक ऑब्स्टिकल को हिट करता है, ठीक है, ऑब्स्टिकल को हिट किया और वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। अब पिघल कैसे गया? पिघलने के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कितना गिवन है? एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है 327, यानी कि बुलेट आया, हिट किया तो टेम्परेचर 27 से 327 उठा पहले। क्यों? क्योंकि बुलेट के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर। वो सारी एनर्जी उसकी खत्म हो गई हिट करते ही, वो सारी हीट की फॉर्म में बाहर आ गई और टेम्परेचर 27 से 327 हो गया और फिर वो मेल्ट हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? पैसे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। बिल्कुल सही, क्योंकि होगा क्या इसमें, पहले बुलेट आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, बुलेट की सारी काइनेटिक खत्म, इसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? एम सी डेल्टा थीटा, और फिर इससे तो मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर होगा, फिर वो मेल्ट होगा। मेल्ट का मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज, स्टेट ऑफ मैटर में क्या होगा? एम एल। इक्वेशन क्लियर है? अब आप ये देख रहे होंगे मैंने 4.2 से डिवाइड क्यों किया, है ना? कैसे? सपना थोड़ा ना आ गया, करना है कि नहीं करना मुझे क्या पता, यूनिट्स देखने पड़ेंगे। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट्स हैं वो कैलोरी पर ग्राम है, लेटेंट हीट के ये यूनिट्स हैं एल, वो भी कैलोरी पर ग्राम है, यानी कि सारा काम सीजीएस में चल रहा है। तो अगर मैं यहां पर पुट करूंगा मास मास मास, तो चलो कैंसिल ही हो गया। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट को पुट करूंगा कैलोरी पर ग्राम, टेम्परेचर डिफरेंस तो पता है 27 से 327 मेल्टिंग पॉइंट तक हो गया, और लेटेंट हीट को भी पुट करूंगा कैलोरी पर ग्राम, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हीट किसमें मेजर की जाएगी? कैलोरी में। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किसमें मेजर की जाती है? जूल में। ऐसा बात बनेगी नहीं ना, तो जूल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैलोरी में। तो 4.2 से डिवाइड। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स जूल पर केजी होते, लेटेंट हीट जूल पर केजी होता, फिर मैं 4.2 से डिवाइड ना करता, क्योंकि ये भी एसआई में चलता। ठीक हो गया यहां तक? तो इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करके मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड ही होंगे, क्योंकि आप कैलरी पर ग्राम में चल रहे हैं, सीजीएस में कैलकुलेशन हो रही है, तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा, क्योंकि सब कुछ सीजीएस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, और फिर आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है, इक्वेशन समझ में आई, कन्वर्जन समझ में आई? तो ये इसकी कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज। तो क्या क्वेश्चन है? इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस 10 kg ऑफ वाटर पर आवर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। कोई इंडस्ट्रियल का प्रोसेस है, 10 kg ऑफ वाटर है, 1 घंटे के लिए प्रोसेस चलाऊंगा मैं इंडस्ट्री के अंदर, 1 घंटे के अंदर पानी का टेम्परेचर 20 से 80 हो जाएगा। कैसे होगा? क्या बिजली से होगा? नहीं, वो कह रहा है ऐसा करने के लिए 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम को पास किया, तो हमने पानी के ऊपर से स्टीम को पास कर दिया, तो स्टीम ठंडी हो जाएगी, अपनी हीट किसको देगी? पानी को देगी, और पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 20 से 80 हो जाएगा। फिर स्टीम का क्या हुआ? स्टीम जो 150 पे आई थी वो कंडेंस हो जाएगी, पिघल जाएगी, कंडेंस होगी, कंडेंस होके वो 90 डिग्री सेल्सियस पानी बन जाएगी, तो खत्म हो ही जाएगी, पानी बन गया 90 पे। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कितने केजी और स्टीम को आपने पास किया 1 घंटे के अंदर। अब देखो इसमें दो पार्टीज हैं जिनका लेन देन हो रहा है, एक स्टीम है और एक वाटर है। आप पहले वाटर से पूछो भाई तेरी क्या कहानी है। पानी कहता देख ऐसा है, मेरा टेम्परेचर था कितना 20, और मेरा टेम्परेचर कितना हो गया 80, तो मेरे को कितनी हीट रिक्वायर्ड है? एमसी डेल्टा टी, बस मेरे को एमसी डेल्टा टी दो। तुम कैसे दो तुम जानो, स्टीम पास करो, बिजली से दो, जैस कोयला जलाओ, तुम देखो मेरी हीट रिक्वायर्ड कितनी है एमसी डेल्टा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पानी की सिचुएशन क्लियर हो गई। अब स्टीम की स्टोरी सुनो, तेरे साथ क्या हुआ? स्टीम कहता देखो मैं आई थी 150 डिग्री सेल्सियस पे, मैं आई,
फिर मैं ठंडी हुई, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनी, हीट मेरी निकाल ली गई पानी ने ले ली, फिर मैं कंडेंस हुई, क्यू इज इक्वल टू एम एल, कंडेंस हो गया मैं, गर्म पानी बनी 100 डिग्री सेल्सियस, फिर जाके मुझे कहते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस पानी बन जा। अब मैं 100 से 100 पानी 90 पानी पे बना तो एम सी डेल्टा टी भी होगा। तो स्टीम की स्टोरी कुछ ऐसी हो गई ना, स्टीम 150 से स्टीम 100 पे, फिर स्टीम वाटर 100 पे, स्टेट ऑफ मैटर चेंज, और फाइनली वाटर किस पे, 90 पे। तो स्टीम ने कितनी हीट बाहर निकाल दी, इस पोर्शन के लिए क्या लगेगा, एम सी डेल्टा टी, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए क्या लगेगा, एम एल, और टेम्परेचर डिक्रीज के लिए क्या लगेगा, एम सी डेल्टा टी। कोई डाउट है? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास क्या आ गई, हीट लॉस आ गई, ठीक है। पुट करते हैं, मास पता है, स्पेसिफिक हीट वाटर की और स्टीम की दोनों में सेम गिवन है, 1 कैलोरी पर ग्राम, जान जान के यूनिट्स लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। टेम्परेचर डिफरेंस 150 से 100 हो गया, फिर एम एल, एम पता है लेटेंट हीट स्टीम की 540 ग्राम कैलोरी पर ग्राम है, पेपर में इसमें क्वेश्चन में गिवन है। स्पेसिफिक हीट पानी की 1 कैलोरी पर ग्राम है और टेम्परेचर डिफरेंस 100 से 90 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टीम की स्टोरी है। पानी की क्या स्टोरी है, एम सी डेल्टा टी। तो मास आपको गिवन है वाटर का 10 kg गिवन है, 10 ग्राम में इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, स्पेसिफिक हीट वाटर की पता है और टेम्परेचर डिफरेंस 80-20 है। तो यहाँ से जो हीट लॉस हुआ, वहाँ से हीट गेन हुआ, इन दोनों को आपने इक्वेट कर लेना है, इक्वेट करके आपके पास मास की वैल्यू 1 kg आ जाएगी आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे हीट एक में से निकली और एक में गेन की? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है लॉजिक? समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? ठीक, आईसीएसई वाले कितने यहाँ पे, तुमने तो कर रखा होगा 10th में, तभी मैं कहूँ आंसर कैसे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। हाँ जी था, हाँ ऐसे बहुत सारे थे, मतलब ये आईसीएसई का नॉर्मल रहता है, मैंने देखा है ये चैप्टर में उनकी कमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात, ये क्वेश्चन कह रहे हैं सीबीएसई वाले बराबर हो गए वैसे तो, ठीक है, तो एक ही बात होगी अब, तो वो भी कर लेंगे, घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, हो गया बराबर। ठीक, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखते हैं, 10 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को सिखाने के बाद मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। एक क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, मेंस का आया वैसे तो, अगर आपने वो कर दिया मतलब कि मेरे हिसाब से बड़ी बात, आपने कमाल कर दी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखता हूँ, मिलता जुलता क्वेश्चन है, पहले ये सीख लेते हैं फिर नया क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ आइस है, टेम्परेचर क्या है, -20 है, ठीक है, ठंडी आइस है -20 पे, इसको ना ड्रॉप कर दिया 10 ग्राम पानी में, और टेम्परेचर पानी का कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, पानी ठंडा हो जाएगा, आइस मेल्ट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि आइस तो -10 पे है, पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ट्वाइस दैट ऑफ आइस, तो ठीक है ना, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट आइस से ट्वाइस है, तो आइस की स्पेसिफिक हीट वाटर बाई टू है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट 1 है, तो आइस की 1/2.5 हो गई। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम का मतलब कॉमन टेम्परेचर आ गया उनका, पता नहीं कितना आया, कैलोरीमीटर विल कंटेन, तो जो टेनर था उसमें कितनी आइस बची और कितना पानी बचा ये बता दो। तो पहले अगर आइस की स्टोरी सुने तो आइस माइनस 20 पे है, आइस पहले अपने अंदर से पानी, क्योंकि पानी गर्म है आइस के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी, तो पानी से हीट ली जाएगी, आइस मेल्ट होगी, तो पानी से कितनी हीट लेके आइस का क्या होगा, आइस माइनस 20 से पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगी, फिर आइस मेल्ट होगी तो Q इज इक्वल टू एम एल लगेगा, और फाइनल टेम्परेचर ठंडे पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा करने में कितनी हीट चाहिए देखें, तो इस पोर्शन के लिए एम सी डेल्टा टी और स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए एम एल। मास ऑफ आइस 10 ग्राम पता है, स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पता है सीजीएस में, टेम्परेचर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 20 पता है, मास ऑफ आइस 10 पता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 पता है, सॉल्व करके ये 100 और ये 800 तो टोटल 900 कैलोरी चाहिए। तो आइस ये कहती है कि अगर आप मेरे को -20 से 0 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी बनाना चाहते हो तो मेरे को इतनी हीट दे दो 100 और 80 800। 100 से तो मैं अपना टेम्परेचर -20 से 0 कर लूंगी और बाकी से मैं स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर दूंगी, बात खत्म हो गई। अब देने किसने है ये हीट, पानी ने। अब पानी से पूछो तू कितनी हीट देगा, पानी कहता देखो मेरा टेम्परेचर है 10, मैं अब बर्फ तो बढ़ने से रहा,
है ना, बर्फ डालने से पानी तो बर्फ बनता नहीं है, तो मैं हद से जीरो पे आ जाऊंगा। तो मैं अगर टेम्परेचर जीरो करता हूँ तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जब मैंने अप्लाई किया तो हीट कितनी है 100 कैलोरी, पानी सिर्फ 100 कैलोरी दे सकता है बस। आइस कहती है अभी मेरे को तो चाहिए 900 ताकि मैं 0 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाऊं, वाटर बन जाऊं। पानी कह रहा है कि जो मैं हीट देना चाह रहा हूं मेरे पास है ही 100, मैं 900 कहां से दे दूं। तो अगर मैं 100 कैलोरी इस आइस को दूं तो ज्यादा से ज्यादा 100 कैलोरी से टेम्परेचर -20 से क्या हो जाएगा, जीरो पर। आइस मेल्ट हो नहीं पाएगी क्योंकि आइस को मेल्ट करने के लिए क्यू इज इक्वल टू एम एल कितना चाहिए, 800 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। 800 कैलोरी पे आइस मेल्ट होती है, लेकिन 100 कैलोरी से टेम्परेचर को -20 से जीरो पे लाया जा सकता है। अब हमारी जो वाटर है उसके बाद देने के लिए सिर्फ 100 है, तो फाइनली आइस जो है वो पिघलेगी नहीं बिल्कुल भी, तो आइस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जीरो। 10 ग्राम आइस थी, 10 ग्राम आइस ही रह जाएगी, और पानी भी ठंडा हो जाएगा जीरो पे, 10 ग्राम पानी था, 10 ग्राम पानी ही रह जाएगा। तो आंसर है इसका 10 ग्राम आइस और 10 ग्राम वाटर, और फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसमें? तो पहले आप आई से पूछोगे ना भाई तेरे को क्या चाहिए पिघलने के लिए, तो आप कैलकुलेट करो ना एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल, जो कि 900 आता है। ये हीट आएगा गर्म पानी से, तो पानी हीट लॉस क्या करेगा, सिर्फ 100 कैलरी। तो 100 कैलरी तो भाई इतना ही हो पाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, एम एल तो कम से कम नहीं हो पाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या करना है आपने वो ध्यान से देखना है।
पहली चीज़ इसके अंदर मैंने एनर्जी दी, मैंने बाहर से एनर्जी दी, कितनी एनर्जी थी 184 किलो जूल, 184000 जूल एनर्जी दे दी। किसको दी? आइस को दी। आइस का मास क्या है? 600 ग्राम। 600 ग्राम आइस कितने टेम्परेचर पे है? -12। और स्पेसिफिक हीट आइस की गिवन है जूल पर केजी, सब कुछ एसआई में चला रहा है, तो मास को भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस भी पता है, एल भी पता है, वो ये पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 होगा। ये बताओ फाइनल सिस्टम मिक्सचर और आइस और वाटर का होगा, मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर इसकी रेशियो में होगा या 1:5 होगा, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैंने कितनी हीट दी वो आपको पता है, पर आइस को मेल्ट करवाने के लिए कितनी हीट चाहिए वो भी तो कैलकुलेट करनी है। आइस का होगा क्या? पहले आइस -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, पहले -12 से 0 पे आएगी, फिर आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। मेरे कहने का मतलब पहले आइस 600 ग्राम आइस -12 डिग्री सेल्सियस से -12 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगी और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। इस पोर्शन के लिए मैं क्या लगाऊंगा? क्यू का फॉर्मूला MC ΔT, और इसके लिए क्या लगाऊंगा? Q = ML। ठीक है, तो आपने Q = MC ΔT लगाया होगा ताकि आप इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले आए। तो जब आपने ये लगाया तो आपका आंसर पता है क्या आया? ये रहा Q = MC ΔT, मास 600 ग्राम है केजी में, स्पेसिफिक हीट पता है, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड 12, पुट करके ये आंसर आया। यहाँ तक किया सबने? तो आपकी हीट इतनी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये हीट से मेल्टिंग नहीं होगी, ये हीट से -12 से टेम्परेचर कितना होगा? 0 पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आपने एनर्जी दी कितनी? और हाँ एक और चीज, अगर आप मेल्ट करवाना चाहते हो तो क्या फॉर्म लगेगा? Q = ML। ऐसे क्वेश्चन में इकट्ठा ऐड मत किया करो, इसको अलग किया करो, इसको अलग किया करो। तो आप Q = ML अलग कैलकुलेट करें तो ये रहा। ठीक हो यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये इतनी एनर्जी से तो टेम्परेचर -12 से 0 पे आएगा, मैंने कितनी हीट दी? मैंने हीट इतनी दी 184000 जूल दी। चलो मेरी एनर्जी कम से कम इससे तो बड़ी है, क्योंकि इतनी एनर्जी मैंने दी और 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट इतनी है, तो कम से कम आइस तो रहेगी रहेगी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर लूं, जो कि माइनस किया हुआ ये रहा, तो मेरे पास आंसर आता है 1679999.44 जूल आंसर आता है। तो मेरे पास इतनी एनर्जी और पड़ी हुई है अभी, जिससे कि मैं आइस को क्या कर सकता हूँ? मेल्ट कर सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतनी एनर्जी से तो वो -12 से 0 पे आएगा, लेकिन मेरे पास तो एनर्जी इससे भी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? इतनी ज़्यादा है, तो इतनी एनर्जी से मैं आइस को मेल्ट करवा सकता हूँ। अब आइस से पूछो, भाई तू क्या चाहती है मेल्ट करने के लिए? तू पूरा मेल्ट होने के लिए क्या लेगी? तो आइस कहती है ठीक है, मेरा मास 600 ग्राम है, 600 ग्राम में से Q = ML लगा लो, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, अगर तुम मुझे इतनी एनर्जी दे देते हो मैं पूरी मेल्ट हो जाऊंगी। पर तुम अपना हिसाब लगा रहे हो, तुम देख रहे हो यार मेरी एनर्जी तो इतनी सी है सिर्फ, और आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? ज़्यादा है। तो एक बात तो पक्की है, आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो पाएगी। सही है, आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी। अब आइस मेल्ट करने के लिए आपके पास क्या एनर्जी है? बस यही एनर्जी और तो कुछ नहीं है। तो आप इस एनर्जी के साथ Q = ML लगा लो, वेयर M- इज अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। तो मान लो M- आइस मेल्ट होगी, इतनी एनर्जी जो आपके पास बची हुई है, तो इतनी एनर्जी से जो आपके पास बची हुई है इससे M-L लगाया, यहां से M- आ गया, तो M- कितना आया? इतना आया। तो ये अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो गई। तो ये अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो गई, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। ये वाटर का मास आ गया। तो आइस कितनी बची थी? कितनी? 600 ग्राम। इतनी मेल्ट हो गई तो बची कितनी आइस? ये आइस बच गई। तो आइस का मास और वाटर का मास अप्रोक्सीमेटली 1:5 आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा
कैलकुलेशन वाइज उलझा गया। देखो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, नॉर्मल तो वो बुलेट वाले आते हैं, बुलेट गया हाफ एम वी स्क्वायर एम सी डेल्टा टी जो आज किया था, नॉर्मल वैसे ही आते हैं। बट एक क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया, ये डाउट भी आ सकता है, एटलीस्ट अब डाउट नहीं आएगा, वो पता है कि कैसे सोचना है, इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम कर रहे थे इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है, नहीं ये होमवर्क है, आसान है, ये करते हैं। एक ब्लॉक ऑफ आइस है -110 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और आपने क्या करना है, स्टीम बनाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने क्या बताया था, इसकी ना स्टेजेस हैं, -110 डिग्री सेल्सियस आइस पहले क्या बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, और फिर स्टीम गर्म होगी। जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो टेम्परेचर रिमेंस सेम। ये देखो आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस, आइस मेल्ट हो रही है टेम्परेचर सेम, फिर पानी गर्म हो रहा है, फिर स्टीम बन रही है। तो मैंने बताया था ये ग्राफ कि जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो ग्राफ फ्लैट बनता है, टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो यही बन रहा है और कुछ बन भी नहीं सकता। और दो स्टेजेस चेंज हो रही है, आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम, तो दो बार ग्राफ फ्लैट होगा, एक बार और दो बार। तो ये आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंपल होमवर्क है। तो आपको आइडिया समझ में आ गया कि क्या आइडिया है इसका। ये क्वेश्चन भी है एक और भी है, हाँ ये कर लो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन तो इसमें इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। तो आपने टेंथ में पढ़ा होगा वोल्टेज पता है, करंट पता है, वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू आई क्या होता है, पावर होती है। तो इतनी पावर केटल की गिवन है जिसे पानी गर्म होगा। अब अगर 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मुझे उबालना है, 100 करना है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है बताओ, एमसी डेल्टा टी, वाटर के लिए एमसी डेल्टा टी। पर ये हीट देगा कौन, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आएगी, इलेक्ट्रिसिटी में अपने को पावर पता है, वोल्टेज इनटू करंट, और टी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। तो आपको बताना है कितने समय के लिए कैटल चलेगी, तो टाइम निकालना है, पावर क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, एम पता है, सी पता है, डेल्टा थीटा पता है, वी पता है, और आई पता है। तो सी की वैल्यू क्या होगी वाटर की, बाय डिफॉल्ट एसआई में 4200 कैलोरी में क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, वाटर की बाय डिफॉल्ट याद करनी होती है, और एसआई में क्या होती है 4200। ठीक है यहाँ तक, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे होंगी सॉल्व।